नमस्कार, आप देख रहे हैं NM की न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में किरण सिंह और शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई आज। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को दो अलग अलग मामलों की अदालत में सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 2 बजे के बाद दोनों मामलों में अदालत सुनवाई करेगी। इसके पूर्व गुरुवार को नाटी इमली में भरत मिलाप का स्थानीय अवकाश होने की वजह से अदालत में होने वाली सुनवाई टल गई। वहीं ज्ञानव्यापी परिसर के SI सर्वेक्षण और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग को लेकर भी अदालत में सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई है। वहीं मामले में जहां वादी हिंदू पक्ष की किरण सिंह द्वारा पूरा ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपने के मामले में जहां सुनवाई होगी, वहीं दूसरे मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा वजूखाने में मिले शिवलिंग के पूजन और भोग को लेकर भी अदालत में सुनवाई होनी है। किरण सिंह के प्रार्थना पत्र पर मामले में आज शुक्रवार की दोपहर बाद सुनवाई होनी है। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुक्रवार की दोपहर बाद अदालत में होनी है। इस बाबत सिविल कोर्ट जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानव्यापी परिसर को मंदिर का हिस्सा बताते हुए हिंदुओं को सौंपने व वहां मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन को हिंदुओं द्वारा मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को दोपहर सुनवाई होनी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर मामले में वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग आरती करने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को दोपहर बाद सुनवाई होनी थी, जो अदालत बंद होने से शुक्रवार तक के लिए टल गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद दत्ता त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग भी की है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने से शिवलिंग बरामद किया गया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया, तो अदालत ने शिवलिंग मानते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वजूखाने को सील कर दिया था, जिसके पूजन और भोग के लिए हिंदू पक्ष की ओर से नियमित मांग की जा रही है। वहीं पूरे परिसर में हिंदू मंदिर के साक्ष मिलने के बाद से ही परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, लिहाजा दोनों ही मांगों के संदर्भ अदालत में सुनवाई होनी है।